उत्तर प्रदेश के जिले में एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत फिरोजाबाद कार्यक्रम के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय को उनके घर के समीप गुणवत्ता परक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु स्वास्थ्य उपकेंद्र स्तरीय हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों CHO की तैनाती की गई है। ग्रामीण जनों को अब गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही 12 प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाओं में समस्त रोगों हेतु OPD, टेलीमेडिसिन, NCD स्क्रीनिंग, ANC जांच, योगा व वेलनेस गतिविधि, इम्यूनाइजेशन, TB मुक्त और कुष्ठ मुक्त अभियान, परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा प्रत्येक महीने आयुष्मान साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला निश्चय दिवस किया जा रहा है, जिससे कि गांव और समुदाय के लाभार्थियों को अब गांव में ही सभी तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिलने लगी है। वर्तमान में CHO कैडर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न अंग है। वहीं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की पॉलिसी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मियों के लिए 3 वर्ष संतोषजनक संविदा पूर्ण करने पर 10% और 5 वर्ष संतोषजनक संविदा पूर्ण करने पर 5% बोनस देय होता है, जबकि CHO के लिए दिनांक 3 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश स्तर से रोक लगा दी गई है। आपसे निवेदन है कि CHO पद पर लॉयल्टी बोनस बहाल किया जाए तथा लॉयल्टी बोनस की हो रही रिकवरी को बंद किया जाए। मेरा नाम देवकांत त्यागी है, मैं CHO पद पर कार्यरत हूँ। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर समस्त 75 जिलों में सभी जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री बाकी कार्यरत सभी CHO द्वारा माननीय जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें से मुख्य मांगे हैं CHO को नियमित करना, CHO को ट्रांसफर पॉलिसी को अप्लाई करना, CHO को बीमा पॉलिसी को अप्लाई करना, वेतन विसंगति और जो हमें PVI मिलता है उसे सैलरी में इंक्लूड करना, ये CHO की मुख्य मांगे हैं। इनको लेकर आज हम समस्त CHO जिला फिरोजाबाद DM को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे और वो हमने आज दिया भी है। सरनाम सिंह, मैं CHO SWC रपड़ी जो कि धनपुरा के अंतर्गत आता है, मैं वहाँ तैनात हूँ और ये समस्त CHO हैं जो कि अपनी कुछ मांगों को लेकर के यहाँ DM साहब से मिलने के लिए आए थे और इनका सबका अपना एक तैनाती जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहाँ पर ये मूलभूत सामुदायिक स्वास्थ्य सुविधाएं देते हैं और कुछ इनकी जो अपनी समस्याएं हैं उनको ये एक पत्र के माध्यम से DM सर को देने के लिए आए थे।